नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारा यानी आप सभी का यूट्यूब चैनल माँ मनसा देवी मंदिर में। तो माता के प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? मैं माता के चरण कमल में, माता के चरणों में प्रतिदिन आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी हो बिल्कुल स्वस्थ हो, सुरक्षित हो एवं ठीक हो। तो माता के प्यारे भक्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज कौशिकी अमावस्या है। इस अमावस्या में बहुत ही शक्ति होती है। इस अमावस्या का एक विशेष महत्व भी होता है। जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल में तारापीठ नामक एक मंदिर है, वो बहुत ही स्वयंभू माता का मंदिर है। माता वहाँ साक्षात तारा देवी विराजमान करती है। तो माता के पास जाना अभी असंभव हो गया है। देखिए, जब माता का बुलावा आता है तभी हम माता के चरणों में, माता के दरबार में जा पाते हैं। लेकिन शायद हमारे कुछ पापों के कारण, कुछ कमियों के कारण माता ने हमें नहीं बुलाया है। इसलिए घर में मैंने माँ तारा का छोटा सा विग्रह को किस तरह से श्रृंगार किया, आप उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको माता का श्रृंगार का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ माता का इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट के माध्यम में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको माँ तारा का श्रृंगार वीडियो कैसा लगा। तो माता के प्यारे भक्तों, जैसे आप सभी को पता है कि इस भाद्र महीने में कौशिकी अमावस्या का बहुत ही एक प्रचंड ऊर्जा होता है। इस अमावस्या में बहुत ही शक्ति होती है। अगर कोई सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से इस कौशिकी अमावस्या में माँ काली या माँ तारा का भक्ति विधि विधान से पूजन करे, उनका स्मरण करे, तो माँ का साक्षात कृपा दृष्टि उन पर बनी रहती है और माँ उनके सारी मनोकामना को पूर्ण करती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, और दोस्तों और एक बात, हमारा जो जन्म हुआ था आज ही के दिन हुआ था, इस कौशिकी अमावस्या के दिन भी हुआ था हमारा जन्म। और एक बात दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि माँ पार्वती यानी भगवती आदिशक्ति, भगवती भवानी माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है देवी कौशिकी। और देवी कौशिकी ने आज ही के दिन यानी कौशिकी अमावस्या, मतलब आज का अमावस्या के दिन ही शुंभ निशुंभ दो दानव को माता ने उनका वध किया था। इसीलिए कौशिकी अमावस्या को बहुत ही मान्यता दी गई है कि इस दिन समस्त अशुभ शक्ति का नाश हो जाता है और माता की कृपा से घर में सारे संसार में पॉजिटिविटी बनी रहती है और सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, उनका नाश हो जाता है। इसीलिए आज के दिन जो कोई भक्ति पूर्वक से माता कौशिकी का यानी भगवती देवी दुर्गा यानी सारे देवी देवताओं का विशेष भाव से, तन मन से उनका पूजा करता है, उनका वंदना करता है, उनका स्मरण करता है, तो माता भगवती की असीम कृपा दृष्टि उन पर हमेशा बनी रहती है और सारे शत्रुओं का नाश होता है। और हमारे वेस्ट बंगाल में आज ही के दिन माँ तारा यानी भगवती तारा देवी का पूजा होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि दशमहा विद्याओं का द्वितीय जो स्वरूप है वो माँ तारा का स्वरूप है। तो आज ही के दिन हमारा वेस्ट बंगाल में यानी कोलकाता में माँ तारा का विशेष भाव से पूजा किया जाता है। तो हमारे सामर्थ्य अनुजाई, हमारे शक्ति अनुजाई माता ने जो हमसे करवाया उन्हीं के हिसाब से मैंने आज हमारे घर में तारा माता रानी का एक छोटा सा विग्रह था, उनका मैंने किस तरह से उनका श्रृंगार किया, उनको किस तरह से सजाया, आप माता का ये श्रृंगार वीडियो संपूर्ण देखिए। ये वीडियो का दर्शन मात्र से ही आपकी सारी मनोकामना माँ तारा अवश्य पूर्ण करेंगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आप सब माता का ये संपूर्ण वीडियो देखते रहिए और मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, लॉन्ग ना करते हुए मैं माता का श्रृंगार वीडियो आप सभी के लिए दिखाने जा रहा हूँ। तो आप माता का ये श्रृंगार वीडियो जरूर देखिए। जय माता दी। ओम ओंकार शवाणूढ़े नील नीर जलोचने त्रैलोके गमुखे देवी कालिकायै नमस्तुते नत्यलीह पदे घोरे मुंडमाला प्रलंबिते खड्ग लंबोदरी भीमे कालिकायै नमस्तुते नव यौवन संपन्ने गज कुंभ पवस्तने बागेश्वरी शिवे शांते कालिकायै नमस्तुते डोल जीर्वे हरा लोके नेत्र त्रय विभूषिते गौर भास्वत करे देवी
कालिकायै नमस्तुते। व्याघ्र चर्माम्बरे धरे खड्ग कद्रीकरे धरे कपालिन्दी परे वामे कालिकायै नमस्तुते। नीलोत्पले जटाभारे सिन्दुरेन्दु मुखोदये सुहृत्पत्रष्टदर्शने कालिकायै नमस्तुते। समायुक्त कालिकायै नमस्तुते।